आज हमारा डे थ्री है और बहुत भयंकर बारिश चल रही है। प्लान वॉज टू लीव अराउंड 9 वाजिदपुर के लिए, बट सुबह से इतनी तेज़ बारिश है कि समझ नहीं आता कि प्लान का एग्जैक्टली करना क्या है, कैसे निकले बारिश में, क्योंकि जयपुर का रास्ता भी थोड़ा सा रिस्की है। फिलहाल सीन कुछ ऐसा है, अभी भी चल रही है बारिश और ये ना ले रही रुकने का नाम। तो फिलहाल वो हमको एक छाता दे गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, आ जाओ, बट मेरा जो साइज़ है ना अभी मेरे पास वापस जा रहा हूँ एक और छाता लेके आने, ताकि फिर आराम से जाके ब्रेकफास्ट कर सकें और फिर उनसे बात कर लेंगे कि अगर वो एक दो घंटे का एक्सटेंड देते हैं ठीक है, नहीं तो सामान समेटेंगे और निकलेंगे आगे के लिए। लस्सी क्या बनता है करता हूँ अपडेट थोड़ी देर में। थोड़ा लेट उठने का लोचा, ब्रेकफास्ट हमारा सारा ऑप्शन बहुत सारे थे, चीला था, इडली थी, सब कुछ था, बट लेट होने की वजह से थोड़ा ये ठंडा ठंडा मिल रहा है। वो कह रहे थे गर्म करने के लिए, मैंने बोला ध्यान दो अपन खा लेंगे ऐसी। बाहर मस्त बारिश चल रही है, अभी भी बढ़िया बारिश हो रही है, सो डिसाइड तो यही किया है कि गर्म गर्म भी आ गया मेरा। शुक्रिया भैया, इनका भी नाम सुनील है। तो बस डिसाइड यही किया है कि यहाँ से निकलेंगे और टूवर्ड्स इतना ड्राइव करेंगे और देखते हैं फिर आगे क्या सीन रहता है रास्ते का। चेकआउट हो गया, इट्स ऑलमोस्ट 1 नाउ। बहुत प्लान लेट हो गया था, सोचा था 10-11 के आसपास निकल जाएंगे, 9-10 बजे तक निकल जाएंगे, बट बारिश ने ऐसी तैसी करके रखी पूरे टाइम। तो बस अभी सामान लेके गाड़ी पर आ गया हूँ, कोल स्टार्ट करते हैं। शिफाली भी नीचे फिर गप्पे सप्पे मार रही है लोगों से, तब तक अपन सामान रखते हैं, कोल्ड स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं। शायद से पहले हाटू मंदिर जाएंगे एक बार एंड देन वहाँ से फिर टूवर्ड्स चितकुल अपनी ड्राइव शुरू करेंगे। शिफाली को हाटू मंदिर दिखाने दोबारा ऊपर आ गए हैं। तो ये रहा हाटू मंदिर का बोर्ड जिस पर उनको फोटो खिंचवानी थी, ये रहा लिखा हुआ हाटू मंदिर 0 किलोमीटर, तो यहाँ फोटो खिंचवा लो। बस अभी यहाँ पे आएंगे, फोटो खींचेंगे या फिर यहाँ से दौड़ लगाएंगे चितकुल की तरफ, लेट्स सी कहाँ तक पहुँचते हैं। मैं सोचा ये हुआ था कि मैं जब दिल्ली से निकला था तो मेरे पास चश्मा था, लाना मैं भूल गया था अपना शेड्स। अब मेरे पास एक इमरजेंसी वाला स्पेक्स है, इस पर मैं लगवा रहा हूँ, ये कार के शीशे पे लगने वाली फिल्म तो बनाएंगे अभी हम शेड्स। देखो जुगाड़ गाइस, जुगाड़ और मोचल जुगार्स फॉलो मी सब्सक्राइब भी। अफ्रीका ट्वेन 10R टाइम मैसेज करना जरा, याला टाइम मैसेज करना जरा 5:31 और ये वेरी अफ्रीका टाइगर पार्क 5:31। ये रामपुर से रामपुरी पहुंचे अभी हम लोग, रामपुर शहर है, और मिलो सुनील भाई से। हेलो, ये मिले थे मुझे चंद्रदागी ट्रिप पे 2018 में। उसके बाद 2020 वो वाला ब्लॉग भी नहीं देखा तो वो भी जाके देख के आना। चंद्रदाग मिले थे मुझे अपने दोस्तों के साथ और तब से हम लोग टच में, और मैं लास्ट टाइम जब आया था यहाँ पे स्पीति तब भी मेरे से मिला था, और अभी हम फिर दोबारा मिलने वाले हैं। बताएंगे नहीं शायद एक ट्रिप हम साथ में करेंगे, क्या बता। अभी हम जल्दी दोबारा मिलने वाले हैं,
ठीक है, तो बने रहो, आगे मिलते हैं, आगे बताते हैं कहानी अभी। चलो बाय बाय, फिर देखा। वेलकम टू किन्नौर का गेटवे, और अभी बारिश चल रही है भयंकर वाली। नज़ारे ऐसे खतरनाक हो रखे ना, और मौसम इतना प्यारा हो रखा है कि बता नहीं सकते। प्लान वॉज टू रीच चितकुल आज, बट वो हो नहीं पाएगा। रीज़न बीइंग बहुत लेट निकले थे अपन, और बारिश ने ऐसी जैसी कर रखी है। तो अभी हम रास्ते में कहीं रुकेंगे, विल सर्च फॉर अ प्लेस। और रास्ता कहाँ है, कहाँ हम पहुँचेंगे, वो सब हम आपको आगे बताएंगे यार, क्योंकि अभी सिर्फ गाड़ी भगानी है और पहुँचना है। नेक्स्ट स्टॉप इज गेट वे ऑफ किन्नौर आने वाला है। यहाँ पर लास्ट में मेरा सामान खोया था, एक ब्लॉग देखना, ब्लॉग पुराने वाले, ठीक है। अच्छा चलो बाय बाय। और यहाँ पे अब लगा दिए इन्हें सीढ़ी, कर दिया इसको बंद, क्योंकि लोग यहाँ पर आके भी गाड़ियाँ धोते थे। हम वो लकी लोग थे जिन्हें यहाँ पर आके भी गाड़ियाँ धोई थी, अभी बंद हो चुका है। इसे कहते हैं द गेटवे ऑफ किन्नौर। देख रहे हो, वहाँ पे सब लोग उतरे पड़े हैं फोटो वीडियो बनाने के लिए, कि दिस इज द पॉइंट। किन्नौर वैली में ड्राइव करते करते टुवर्ड्स चितकुल। अभी अपने को रास्ते में जितने वाटरफॉल्स मिल रहे हैं, एक वो सामने देख रहे होगे वाटरफॉल्स, और ये देखो जितने भी वाटरफॉल्स मिल रहे हैं ना, वो इतने ज़्यादा इस टाइम पे लाइक मस्त हो रखे हैं, क्योंकि खूब बारिश हो रही है, भयंकर बारिश हो रही है, और इतना फ्लो गजब हो रखा है ना कि बताना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो चेक दिस आउट, वो देखो एक वाटरफॉल था, दूर है बट वो ऊपर से बह रहा है, खतरनाक हो रखा है यार। और ये नीचे बह रही है सतलुज नदी। तो चलो निकलते हैं, करते हैं ड्राइव और पहुंचते हैं अपने स्टे पे आज के। अभी हम सांगला से पहले हैं इस पंप पे, मैं सोचा टैंक फुल करवा लेते हैं, क्योंकि इसके आगे फिर इसके आगे चितकुल पड़ेगा, पीओ पड़ेगा, पीओ के वाले ऊपर हो गया। तो अभी इससे चितकुल पड़ेगा पंप, और फिर काजा है ना। हाँ, तो एक चितकुल पड़ेगा, फिर काजा पड़ेगा। तो कल हम चितकुल में टैंक फुल करवाएंगे दोबारा से, और फिर हम काजा करवाएंगे। बस करवाते हैं टैंक फुल और निकलते हैं यहाँ से। फिर आगे फटाफट दौड़ जारी है अभी अपनी। रुक जा भाई, रुक जा, फोटो ले दे, फोटो ले दे, रुक जा। नीचे चला रहे हैं भाई, आप लोकल हो, हम टूरिस्ट हैं, हम फोटो ले रहे थे, हम फोटो ले रहे थे, तभी रूल रेगुलेशन, रोड खाली थी ना। थैंक यू भाई, आप पढ़े लिखे आदमी, थोड़ा तभी लाइटें ऑन छोड़ रखी थी ताकि गाड़ी आए उसको दिख जाए। बस बड़े भाई, थोड़ा कामरू फोर्ट जरूर जाना, बस कामरू फोर्ट जी डन।
पक्का थैंक यू भाई, दिल में नहीं लेना कोई नहीं नहीं अरे यार चलता है टेंशन नहीं बाकी आई लाइक योर मॉडिफिकेशन भाई थैंक यू सो मच सूट करता है आपकी बॉडी को लुक को सूट करता है बड़े भाई थैंक यू पहुंचने वाले अपने जहाँ पे हमारा आज का स्टे है और यहाँ पे जल्दी किसी के रेट आता है और अपन पहुंच चुके हैं कुप्पा की जगह पड़ती है दिस इज द होम से जहाँ पर हम रुके हुए ईगल बिकॉज पार्क हो चुकी है तो बस करते हैं चेकिंग खाना खाते हैं डेटा शॉट कॉपी करते हैं और आसो ब्लॉग भी बनाना है यार तो आई नीड सम टाइम और फिर अभी मैं आपको कराता हूँ अपना रूम टूर फिर से डे टू का जस्ट गिव मी अ सेकंड देन वी गो अपस्टेयर्स और ये खड़ी गड्डी और ये रहा रूम जा तो लगाते हैं एंड फायदा देख रहे हैं एक्सटेंशन कॉर्ड का यहाँ पर चार्जिंग यहाँ पर पॉइंट और यहाँ पर एक्सटेंशन खींच जाएगा अपना बढ़िया करके तो चलो गई अभी जरा कुछ खाते पीते हैं चाय वाय पीते हैं खाना खाते हैं और ब्लॉग एडिट करना शुरू करते हैं मिलते थोड़े बाद तो मेरा डेटा कॉपी हो रहा है फिर आके व्लॉग बनाना है व्लॉग एडिट करना है एंड गुड थिंग इज़ कि आज वाईफाई भी मिली है अपने को तो फटाफट व्लॉग अपलोड भी कर देंगे आज एक एंड होपफुली एक या दो अगर दोनों बन जाएंगे तो दोनों अपलोड करके लगा दूंगा तो जब तक अपन नेक्स्ट ट्रिप मानेंगे नेक्स्ट कंटेंट बनाएंगे तब तक दो व्लॉग्स लाइव हो जाएंगे तो देखते रहना और मुझे बताना है व्लॉग्स कैसे लगे और अगर अच्छे लगेंगे तो प्लीज़ शेयर भी करना अगर कुछ कमी लगेगी तो मुझे बता देना कि ये कमी लग रही है ऐसा होना चाहिए तो मैं उसको कोशिश करूँगा ठीक करने के लिए क्योंकि थर्ड व्लॉग होगा अभी ये जिसमें मैं आपके बात बोल रहा हूँ एंड 30 दिन की ट्रिप है तो बहुत सारे व्लॉग्स आएंगे यार तो एक्सपीरियंस बताते रहना फीडबैक देते रहना एक्सपीरियंस मैं शेयर करता रहूँगा तो चलो चलते डिनर करने चाबी खा रूम की रूम करते हैं लॉक डिनर करने चलते हैं और फिर मिलते हैं व्लॉग बनाते वक्त